हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आप सबको लेकर के चलेंगे आमेर पैलेस में, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही स्थित है। तो अभी हम यहाँ पे टोटो बुक किए हैं, इसी से जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जल महल देखने के बाद यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। तो वहाँ से हम लोग का 20-20 रुपये किराया लिया है ये टोटो वाला, बैटरी वाला गाड़ी, हवा जिसको बोलते हैं, जिसको ई रिक्शा ही बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड कितना सुंदर है, दोनों तरफ फूल पत्तियाँ लगा हुआ है, लाल लाल फूल खिला हुआ है, इसमें हरियाली दिखाई दे रहा है। चलिए तो चलिए चलते हैं हम लोग वहाँ पे और दिखाएंगे वहाँ का व्यू, कितना प्यारा व्यू है, जो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, पहाड़ पे ही बना हुआ है वो पैलेस जो है, किला जो है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं इस आमेर महल के नीचे, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। तो यही है वो मेन गेट, इसी गेट से हम लोग अभी एंट्री करेंगे, इसी गेट से हम लोग अंदर चलेंगे। अब देख सकते हैं कितना कबूतर है, कबूतरों का झुंड यहाँ पे ढेर सारा है। और ये पूरा एरिया बनाया हुआ है पहले ज़माने का, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पेड़ पौधा भी पहले से यहाँ पर होगा। ये भी गेट यहाँ पर है, बहुत पुराना गेट यहाँ देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे पार्क भी बनाया हुआ है। अब ढेर सारे लोग यहाँ पे अभी घूमने के लिए आए हुए हैं इस आमेर पैलेस में, और कितने लोग वापस भी जा रहे हैं। तो आप यहाँ का खूबसूरती का नज़ारा देखिए, यहाँ पे कितना मनोरम दृश्य है। ये कम ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है हम लोग को, नीचे से लग रहा है जैसे कि ऊँचा नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के बाद पता लगेगा कितना ऊँचा है ये महल। यहाँ पर कुछ खाने का सामान भी मिल रहा है, स्टॉल लगा करके बेच रहा है यहाँ पर। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं इस रास्ते से। आप यहाँ पे देखिए कुछ बेच भी रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे, चप्पल भी बेच रहा है, जूतियाँ बेच रहा है, जयपुरी चूड़ियाँ, लहठियाँ और क्या क्या बेच रहा है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। इस किले का निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जो किला है ये अरावली पहाड़ों पर स्थित है, और ये लाल बलुआ पत्थर से और संगमरमर से बनाया हुआ ये किला है। ये देखिए यहाँ के रास्ते पूरा पथरीला रास्ता है, सब चारों तरफ पत्थर से ही बनाया गया है। जितने भी रास्ते यहाँ पे हैं, सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रांगण है, बहुत ऊंचा ऊंचा गेट है। आप देख सकते हैं कितना प्राचीन गेट यहाँ पे लगा हुआ है, कितना भव्य गेट है। और इसका प्रांगण देखिए कितना बड़ा है, बहुत ही भव्य प्रांगण है। यहाँ पे तोप रखा हुआ पहले ज़माने का, मेन गेट पर ही इसका, सीढ़ियों के रास्ते से आने पर आपको ये तोप दिखाई देगा। हे गाइस, तो आप देख सकते हैं इस प्रांगण को, कितना भव्य प्रांगण है। और ये किला देखिए कितना बड़ा किला बना हुआ है, वे पहाड़ियों अरावली पहाड़ियों में बना हुआ किला है ये, कितना भव्य दिख रहा है ये। ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया हुआ किला है। तो आप किले को देख के यहाँ पे आनंद लीजिए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। यह है नीचे का व्यू, ये कोई गाँव है, पहले ज़माने का बसाया हुआ गाँव है। यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर भी है राधा रानी का, और किसका है तो मुझे पूरा कन्फर्म मालूम नहीं है, लेकिन एक मंदिर भी है यहाँ पर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है इस गांव में। आप सब देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सीढ़ियाँ पत्थर का बना हुआ है, पत्थर को काट काट कर बनाया गया सीढ़ियाँ यहाँ पे है। आप यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं इस किले के सबसे ऊपरी तल पे। तो आप यहां से नीचे का व्यू देखिए, नीचे में खूबसूरत सा झील है जो कि मोटा के नाम से जाना जाता है। इस झील के बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर सा, उसमें केसर का खेती भी राजा द्वारा करवाया जाता था उस जमाने में। तो आप यहाँ से इस खूबसूरती का आनंद लीजिए, कितना प्यारा व्यू यहाँ पे है देख सकते हैं आप।
चारों तरफ हरा वाली पहाड़ियां यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हे गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तुर्किश बाथ भी है। तो अभी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे यहाँ पे तुर्किश बाथ को। तो ये देखिए, इसका गेट है, पतला सा गेट है। तो अंदर चल के दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ का पहले ज़माने का बाथरूम। ये देखिए, पहले ज़माने का संडास है, ये लैट्रिन बाथरूम जो होता था, वॉशरूम है ये। अभी और स्नान घर भी दिखाते हैं आपको, इतना छोटा छोटा था पहले, और सब पत्थर से बनाया गया है, काट काट के पहाड़ पर। ये देखिए, पतला पतला सुरंग टाइप पे है ये। ये सब रोशनदान है, यहाँ से रोशनी आता होगा। और ये है बाथ टब, ये देखिए, यही है वो हमाम स्नान घर, बाथ टब बना हुआ है इसमें। हे गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं शीश महल में। तो आप यहां का व्यू देखिए, ये जो शीश महल है, इसको रोशन करने के लिए एक मोमबत्ती की लाइट प्रकाश ही काफ़ी है, एक लाइट से ही अब पूरा प्रकाशित हो जाता है। तो आप यहां का व्यू देखिए, शीश महल का व्यू देखिए, कितना अच्छा सा और सुंदर है, बहुत ही सुंदर सुंदर दर्पण से बनाया गया ये शीश महल है। तो आप देख सकते हैं गाइस, इस शीश महल के जस्ट सामने में दिल आराम बाग है, जिसे देखकर आपको दिल को सुकून मिलता है। इस बाग को देख करके दिल को सुकून मिलता है, इसलिए इस बाग का नाम दिल आराम बाग रखा गया है। यहाँ फव्वारे लगाए गए हैं। ये तो ये देखिए, यहाँ पर यहाँ का व्यू कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए, कितना सुंदर गार्डन बनाया गया है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर व्यू है। इसमें फव्वारे लगाए गए हैं, झरना है। हे गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं इस किले के और ऊपर। तो आप इस किले का और ऊपर से थोड़ा सा व्यू देख लीजिए, दिलाराम बाग का भी व्यू देख लीजिए, कितना प्यारा व्यू है। ये किला इतना भव्य है कि 2013 में इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम भी आ चुका है 2013 में। तो आप यहाँ का व्यू देखिए, सब जितना भी पेंटिंग उल्टिंग दिखाई दे रहा है, जितना भी कलर दिखाई दे रहा है, सब पहले ज़माने का ही, उस शताब्दी का ही है। तो आप यहाँ का व्यू देखिए, कितना मनोरम और कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही भव्य किला है ये। ये है दीवाने खास का नज़ारा, पतली पतली गलियां, छोटे छोटे घर। ये देखिए, बाहर का रास्ता। पहले का संदूक है, खजाना है। ये क्या है भाई बाबा? तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पहले जमाने का जो खाना बनता था, बहुत बड़ा बड़ा कड़ाह यहाँ पे है, उस जमाने के कड़ाह यहाँ पे है।
तो आप यहाँ का व्यू देखें। तो फाइनली हम लोग को सुरंग भी मिल चुका है। आपातकालीन स्थिति में जब आपातकाल आता था तो राजाओं के परिवारों को बचाने के लिए, जंगल दूर तक जाने के लिए एक खुफिया सुरंग भी है। तो आप यहाँ का ये सुरंग का व्यू देख लीजिए। अंधेरा 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 है, ये देखिए ये खुफिया सुरंग है। किसी को पता नहीं होता था इस सुरंग के बारे में। ये आपातकालीन स्थिति में काम देने वाला सुरंग है। परिवार, राजा के परिवार जो थे उनको बचाने के लिए, जयगढ़ दुर्ग तक जाने के लिए सुरंग है। तो आप यहाँ का व्यू देखिए सुरंग का। बहुत ही पतली पतली गलियाँ हैं, इधर उधर निकलने का, भागने का, छुप के भागने का रास्ता यहाँ बनाया गया है। लंबा चौड़ा सुरंग है। भागने का रास्ता ही नहीं, बच के तो फाइनली गाइज हम सब घूम के आ चुके हैं ऊपर से। अब धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे हैं और निकलेंगे यहाँ से बाहर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अभी मैं आपको नीचे उतरते उतरते भी व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पूरा प्रांगण का व्यू देखिए। अभी यहाँ पर तोप वोप भी दिखाई देगा फिर से। तो अभी गेट से हम लोग नीचे उतरेंगे धीरे धीरे करके। तो आप यहाँ का व्यू देखिए और जरूर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा यहाँ का व्यू, आमेर पैलेस का व्यू कैसा लगा आपको, मज़ा आया कि नहीं आया, जरूर जरूर बताइएगा। ये है तोप, ये देखिए। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो भी शूट करेंगे। तो यहाँ का व्यू देखिए कितना मस्त और प्यारा व्यू है। बहुत ही भव्य किला है ये। खाली एगो बुद्ध भगवान आ गए पता नहीं कहाँ से, भटकल भटका एगो विष्णु भगवान कैसे कैसे आ गया लोग। तो आप देख सकते हैं गाइज, यही है वो मठवा सागर लेक। यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है। दोनों चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, आरा वाले की श्रृंखलाएँ हैं यहाँ पे। और इसी झील में केसर की खेती करवाया जाता था उस समय राजा के द्वारा। तो आप यहाँ का व्यू देखिए। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर और चलेंगे कहीं और पे, और मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।